ज्यादा खास क्योंकि हम सीखने वाले हैं बाराती डांस। मेरी बहने मुझसे बोली कि यार दो चार हमें ऐसी स्टेप बता दे जिसे हम बारात में आराम से ग्रुप में परफॉर्म कर पाए, तो मैंने सोचा उन्हें सिखा रही हूँ, क्यों ना आपको भी सिखा दूं, क्योंकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली है। और अगर मेरी सिखाई कोई भी स्टेप आप करते हैं और अगर आपकी तारीफ होती है तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और आज की वीडियो में जो हमने स्टेप्स रखी हैं वो क्रमवाइज रखी हैं ताकि आप आराम से उन्हें सीख पाए और जब आप इन्हें परफॉर्म करें तो आप एक भी स्टेप्स को भूले ना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहली स्टेप देखते हैं। पहले मैं आपको पैर बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करने हैं। 1 2 3 4 ये पैर पहले हम काफी बार सीख चुके हैं तो आपको आते होंगे। तो इनके हाथों के स्टेप आपको किस तरीके से करने हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में अपने दोनों हाथों को ले जाइएगा और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो वाला हाथ ऊपर की तरफ रहेगा और जो दूसरा वाला हाथ है वो कोनी पे नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके से। और आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से एक फिंगर ओपन करके भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। और आपको शोल्डर किस तरीके से चलाने हैं, 1 2 बाउंस करना है। तो स्टेप क्या रहेगा, 1 2 अब दूसरी तरफ जाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और इस तरीके से 1 2 करेंगे। फिर जब दूसरी तरफ आप जाएंगे तो आपका जो राइट वाला हाथ है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो लेफ्ट वाला हाथ है वो नीचे की तरफ कोनी पे रहेगा इस तरीके से। पैर आपको सेम वही रखना है, 1 2 तो एक बार पूरा स्टेप देख लेते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो सेकंड स्टेप देखते हैं। तो पहली स्टेप हमने यहां पे खत्म करी, तो सेकंड हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे, हथेली नीचे की तरफ रहेगी ठीक है। पैर हमें सेम वही चलाने हैं जो हमने पहले पे चलाए थे इस तरीके से, और हाथ 1 हथेली ऊपर की तरफ। अब जब हथेली ऊपर की तरफ होगी तो पैर भी ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 अब यहां से अपने दोनों हाथों को अपोजिट ले जाएंगे और इस तरीके से फिंगर ओपन करेंगे जो हमने पहले में की थी ना वही करना है, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत इजी है। आप जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा और आप खुद ब खुद इन्हें कर पाएंगे। तो चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड हमने यहाँ पे खत्म करी, तो थर्ड भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, पहले मैं पैर बता देती हूँ आपको किस तरीके से चलाने हैं। तो हमें इस तरीके से अपने पैर को बाउंस करना है, टो पे रख के, पूरे पैर को बाउंस नहीं करना, सिर्फ टो पे रख के बाउंस करना है। आप किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं राइट से आपको बता रही हूँ। 1 2 दो बार बाउंस करने के बाद अपना पूरा बॉडी वेट जो है वो हम राइट पे ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से, और जो लेफ्ट वाला पैर है उसे इस तरीके से उठा देंगे ठीक है। अब जो पैर हमने उठाया है उसे हम वैसे ही बाउंस करेंगे जैसे हमने राइट को बाउंस किया था, 1 2 और रिपीट करेंगे। अपने राइट को उठा देंगे, फिर राइट को नीचे दो बार बाउंस करेंगे, लेफ्ट को उठा देंगे। तो पूरा स्टेप क्या रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपको पैर चलाने हैं। और इनके हाथों के स्टेप क्या रहेंगे, हमने यहाँ पे खत्म किया था। इसके बाद हम जो ऊपर वाला हाथ है उसे इस तरीके से खोल देंगे और जो नीचे हाथ था उसे इस तरीके से कोनी पे रख देंगे इस तरीके से, और क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 तो पैरों के साथ एक बार मिला के देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको आराम से समझ में आ जाएगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करने की देर है। तो फोर्थ स्टेप देखते हैं। पैर हमें सेम वही चलाने हैं जो हमने थर्ड में चलाए थे इस तरीके से, और हाथों के स्टेप रहेंगे, एक हाथ हम कमर पे रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरीके से ऊपर, और चलाने किस तरीके से है तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बस एक स्माइल के साथ में परफॉर्म कीजिएगा सारी स्टेप्स को तो आप एकदम धमाल मचा देंगे। तो चलिए सारे स्टेप्स को म्यूजिक के साथ भी देख लेते हैं।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।